जिब्रान, तुम्हें जरा सा भी एहसास है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझ पर इल्जाम डाल के अपने आप को बचा लिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने उस गैर औरत के सामने मुझे जलील कर दिया। मॉम प्लीज, आप पहले मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है मैंने। मॉम एक दफा मेरी बात आराम से सुन ले तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिब्रान, तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ये मत भूलो। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुमसे चार हाथ आगे हूं। मॉम समझने की कोशिश करें, अगर मैं भी आपके साथ मुजरिम बन जाता ना तो डैड हम दोनों को सजा सुना देते। देखिए अभी हमें यह तो नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सख्त रिएक्शन होगा। लेकिन मुझे ये तो पता है कि वरीशा के मामले में वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ तो जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा ना, तुम तो बच जाओगे। मॉम अगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया ना तो बचने की उम्मीद है, और अगर मैं बच गया तो इसमें आप ही का फायदा है। जिब्रान मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। हम सोचें, अगर डैड ने मुझे छूट दे दी तो मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन अगर दोनों कसूवार होते तो डैड हम दोनों को सजा देते, हम में से एक भी नहीं बच पाता। और मैंने यही सोच के खुद को बचाया है ताकि बाद में मैं आपको बचा सकूँ। मॉम प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जब मुसीबत के वक्त में आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। नोफिल बेटा, गुल के लिए जूस बनाना है। जी अम्मी, अगर आपको चाहिए तो आपके लिए भी बना दो। अरे नहीं नहीं, बस तुम गुल के लिए जूस बना लो। आशी मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आ, फिर मैंने बाहर जाना है। नहीं, सुबह सुबह? अरे भाई रात में जाऊं तो मसला, सुबह जाऊं तो मसला, आखिर आप चाहती क्या है? तमीज से बात करो अम्मी से। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और करना भी मत, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, तुम्हें तकलीफ है तो तुम जाओ ना यहाँ से। अम्मी से बोले जाए यहाँ से, और जब तक मैं किचन में हूं वहां पैर ना रखे, कहीं ऐसा ना हो कोई और कारनामा अंजाम दे दे ये। चलो रुशना यहाँ से जाओ। अच्छा तो आप भी अपने बेटे की हिमायत कर रही हैं? मैंने कहा है ना यहाँ से जाओ। ये कहकर आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ? और तुम जो छोटे बड़ों की सारा दिन इंसल्ट करती रहती हो, वो मेरा तो यह हक है। कैसा रंग बदला है इस लड़की ने, मैं तो हैरान हूँ। रंग नहीं बदला मम्मी, अपने असल रंग में वापस आ गई है। आप ही धोखा खा गई थी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मम्मी मैं गुल के लिए जूस बनाने जा रहा हूँ।